लगभग 300 वर्षों से हमारे समाज में इस सावन की पंचमी से बीतक का श्रवण करने की परंपरा है और इस परंपरा ने हमारे अतीत के गौरव को सुरक्षित रखा है। तारतम वाणी में जो ज्ञान निहित है वो दार्शनिक सिद्धांतों पर है। आम जन समुदाय उसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता, यही सुनने को मिलता है कि वाणी बहुत कठिन है, समझने में नहीं आती। किंतु वीतक तो घटनाक्रम है और प्रत्येक घटनाक्रम में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। हमारे जीवन के लिए सिखापन तो है ही, दार्शनिक तथ्यों को भी बहुत सरलता से प्रस्तुत किया गया है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे समाज में ये परंपरा चल रही है। तीज चौथ को श्री जी का अंतर्धान दिवस मनाकर पंचमी को बीतक के प्रारंभ करने का एक प्रचलन सा है। यदि हम अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या श्री प्राणनाथ जी का अंतर्धान दिवस मनाना उचित है, तो इसका उत्तर कुछ विशेष मिलेगा। सामान्यतः समाज में जो परंपराएं चल पड़ती हैं उस परंपरा का विरोध करना एक बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि बहुमत उसके साथ होता है। किंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास सत्य को प्राथमिकता देता है और असत्य का विरोध करने में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस मनाया जाता है और उनका देह त्याग का दिवस नहीं मनाया जाता, श्री कृष्ण जी के प्रकटन के लिए जन्माष्टमी मनाई जाती है, नवमी की तिथि को हम राज्य का प्रकटन मनाते हैं, लेकिन जब द्वारिकाधीश का देह त्याग होता है बहलिए के तीर से, तो उसकी स्मृति में कोई भी वैष्णव या कोई भी हिंदू देह त्याग का कोई कार्यक्रम नहीं मनाता। यहां तक कि कबीर जी के भी देह त्याग का कोई कार्यक्रम नहीं मनाया जाता। हम यदि प्राणनाथ जी का अंतर्धान दिवस मनाते हैं तो कैसे संसार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि उस स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म का आवेश स्वरूप पाया हुआ था और लीला किया। हमने पुराण संहिता के इस कथन को भुला दिया है कि अगाध अज्ञान जलधो पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्बोधो ममच्च पुरुषोत्तमः है, कि अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो कृपा के सागर स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म आएंगे और उनको अपने ज्ञान रूपी अमृत में स्नान कराकर भव सागर से पार ले जाएंगे। यह तो वैसे ही हुआ, कोई महापुरुष हो और तन धारण करें तो उसके जन्मोत्सव मनाए जाएं और पुनः तन त्याग करें तो उसका दाह संस्कार का कार्यक्रम किया जाए। इस सृष्टि को होते हुए 1,96,08,53,120 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति तो नहीं हुआ है जिसने देह त्याग की लीला के पश्चात एक वर्ष तक प्रत्यक्ष में बातें की हों अपने अनुयायियों के साथ। लेकिन हम जानते हैं ये हमारी अतीत का गौरव है कि श्री जी ने अंतर्धान लीला के बाद एक वर्ष तक, चाहे लालदास जी हो, मुकुंददास जी हो, महाराजा छत्रसाल जी हो, सबके साथ एक वर्ष तक प्रत्यक्ष बातें की। हम इस गरिमा को क्यों भुलाना चाहते हैं? जब हम धाम गमन की तिथि मनाते हैं तो सारे देश में यही संदेश जाता है कि प्राणनाथ जी कोई महान पुरुष थे, महान संत थे, आज उन्होंने तन छोड़ दिया है जिसकी स्मृति में प्रणामी समाज में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, लोग उपवास है, दुखी हैं। हम ये बहाना ढूंढ सकते हैं कि जिस तन से हमें परम धाम का ज्ञान मिला उस तन का वियोग सहन नहीं हुआ और सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया, उसी स्मृति में हम भी मनाते हैं। बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या उन सुंदर साथ की तरह हमने प्राणनाथ जी को पहचाना है और क्या हम उनके लिए सचमुच में विरह में रहते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। यदि हमें प्राणनाथ जी के लिए विरह होता तो हमें संसार अच्छा नहीं लगता। उन सुंदर साथ ने अचानक जो वियोग झेला उस सहन के युग नहीं था, इसलिए विरह में शरीर छोड़ दिया।
किंतु धनी ने क्या शिक्षा दी है? हक नजीक सेहरक से अड़ो पटना द्वार, वो हमारी प्राण की निभी नली से निकट है। और लीला रूप में उन्होंने स्वयं को छिपा लिया। छठे दिन की लीला में ब्रह्मात्माओं को ये शोभा दी कि ब्रह्मात्माओं तुम जगह जगह जाकर परम धर्म के ज्ञान का प्रकाश करो, अक्षरातीत की महिमा फैलाओ, परम धर्म का ज्ञान दो और संसार को भवसागर से पार ले जाने का मार्ग बताओ। वह तो हमने छोड़ दिया। हम प्रेमनाथ जी को एक ऐतिहासिक पुरुष बताने लगे हैं, देवचंद जी का शिष्य बताने लगे हैं, महान संत महापुरुष बताने लगे हैं और महाराजा छत्रसाल जी का गुरु बताने लगे हैं। ऐसे में क्या हम अपनी अंतरात्मा के साथ कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? आज सारा संसार अपने अपने आचार्यों की महिमा गाता है, जन्म दिवस तो मनाता है, मरण दिवस नहीं मनाता। हमें नैतिक अधिकार नहीं है कि हम प्राणनाथ जी को, जिनकी महिमा एक अक्षरातीत की है, हिंदू ग्रंथ हो चाहे कतई पक्ष के ग्रंथ हो, कुरान हदीसों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जो आखरुल इमाम मोहम्मद महदी का स्वरूप होगा, साक्षात परब्रह्म अल्लाह ताला का स्वरूप होगा। और वो पर्दे में होने का तात्पर्य क्या है? अपनी लीला उन्होंने छिपा ली इस संसार की मर्यादा को रखने के लिए, लेकिन अपनी ब्रह्मात्माओं पर कृपा करते हुए पूरे एक वर्ष तक वार्ता करते रहे। आवश्यकता तो इस बात की है कि पंचमी के दिन कोई महान कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि इस दिन बीतक की कथा का प्रारंभ होता है। किंतु यदि तीज चौथ को उपवास न रखकर धाम गमन की प्रक्रिया जो को आधार मानकर जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं वो न मनाए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हम संसार को एक संदेश दे सकते हैं कि सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप केवल हमारे समाज में आया और उसने संसार को ऐसा अलौकिक ज्ञान दिया। आप देखिए, 1,96,08,53,000 वर्षों से ये संसार वेदों का चिंतन मनन करता आ रहा है, लेकिन त्रिपाद उर्ध्वोदयित पुरुष का समाधान उसके पास नहीं था। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृता देवी, इससे परे होने का मार्ग किसी भी ऋषि मुनि के पास नहीं था। पर ब्रह्म कहाँ है, कैसा है, इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था। जिसने सरल हिंदुस्तानी भाषा में परम धाम का अलौकिक ज्ञान दिया हो, यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखने की शक्ति हमें प्रदान की हो, उसको हमने संतों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। और जो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी अवतार ने, किसी तीर्थंकर ने देह त्याग के बाद एक वर्षों तक किसी से प्रत्यक्ष बातें नहीं की हैं, जिस प्राणनाथ अक्षरातीत ने हमसे एक वर्षों तक प्रत्यक्ष बातें की है, उनके हम धाम गमन को मना कर हम उनको संतों की पंक्ति में कहीं ना कहीं रखने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, यदि आप अक्षरातीत की महिमा बढ़ा नहीं सकते तो उसको छोटा करने का नैतिक अधिकार किसी को नहीं है। यह आत्ममंथन का विषय है कि आज क्या आवश्यकता है। आज आवश्यकता है जो चितवनी की अलौकिक प्रक्रिया श्री जी ने हमें दी है, जो ब्रह्मा को नहीं मालूम थी, नारायण को नहीं मालूम थी, आज हम कितने फिसड्डी हैं। अब देखिए, राधा स्वामी मत में ब्यास में 1,00,000 लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ कहीं ऐसा दृश्य देखने में आता है कि 5,000 भी कहीं बैठकर ध्यान कर रहे हों। हम अपनी फिलॉसफी को, अपने दार्शनिक सिद्धांतों को दूसरों के सामने खुलकर प्रस्तुत नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि प्रवाही लोग सुनकर के हमारी हंसी उड़ाएंगे तो अच्छा है कि हम संत कह लें, छुट्टी पा लें। बहुत होता है राष्ट्रीय संत कह लेते हैं। क्या हमारे पास पुराण संहिता का ज्ञान नहीं? क्या हमारे पास महेश्वर तंत्रम का ज्ञान नहीं? क्या वैदिक सिद्धांतों की हमें जानकारी नहीं है कि हम कह सकें कि त्रिपाद उर्ध्वोदयित पुरुष का उत्तर हमारे पास है, ब्रह्मपुरी कहाँ है इसका उत्तर हमारे पास है, त्रिपाद विभूति से परे जाने का मार्ग हमारे पास है? लेकिन ये कब होगा? इसके लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। एक सोए हुए समाज को जगाने के लिए सबको सन्नद्ध होना होगा, और ये तब होगा जब हम बीतक के प्रत्येक प्रसंग को गहराई से चिंतन में लाएं कि हम यथार्थ में कौन है। ये बीतक तो यही पहचान कराती है, प्राणनाथ जी कौन है, हम कौन है। हमने प्राणनाथ जी को जो संत कह दिया तो हम भी एक दास बन गए। हम जैसे दुनिया के लुटे पिटे जीव होते हैं बेचारे भटकते हुए, उनको पता नहीं साकार क्या है, निराकार क्या है, निराकार से परे क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम साकार निराकार और काल माया योग माया को पार करके परम धाम का साक्षात्कार करेंगे। हमने
उनके सामने स्वयं को असहाय सिद्ध कर दिया है। इसका मूल कारण यह है, हमारे समाज में जो अकर्मण्यता की आंधी चली है, हमारा समाज जड़ता के पीछे भाग रहा है, ब्रह्मवाणी का प्रचार किनारे हो गया, सोने के कलश, सोने के सिंहासन, सोने की खड़ाऊं, यही सब कुछ हो गया। हमारी सारी आर्थिक शक्ति नकारात्मक दिशा में प्रयोग की जा रही है। यदि हमने बौद्धिक क्रांति नहीं की, संसार को यह संदेश नहीं दिया कि ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगकर हम संसार के सारे ग्रंथों का गुह्य रस प्राप्त कर सकते हैं और सारे संसार को एक ऐसे मंच पर बैठा सकते हैं जिसमें किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, उसको पाने के लिए हम कौन सा मार्ग अपनाएं। लेकिन बिना बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति के ये कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम बीतक के प्रत्येक घटनाक्रम को, जैसे कि मैंने कहा, बीतक का अर्थ ही होता है घटनाक्रम, जो बीत रहा था परम धाम में अनादिकाल से, ब्रज में हमारे साथ जो बीता, रास में जो बीता, श्री देवचंद जी के तन से जो बीता और श्री महामती जी के तन में जब अक्षरातीत विराजमान हुए, जागनी का स्वर्णिम दौर प्रारंभ होता है, उसमें हर ब्रह्मात्मा के साथ क्या क्या घटना घटित हुई है उसका संकलन बीतक ग्रंथ में है। हमारे साथ भी छठे दिन की लीला में क्या हो रहा है और सातवें दिन की लीला में हमारे जीवों के साथ क्या होगा, हम जब परम धाम में परात में उठेंगे तो क्या होगा, यह सब कुछ बीतक के अंतर्गत ही आता है। और बीतक हमें स्वाभिमान पर खड़ा करना सिखाती है, अभिमान पर नहीं, हमें अपने रूप का, अपने विद्या का, अपने पद का, अपने धन का अभिमान है। खिलवत की वाणी में कहती है कि जीव के जितने अहम की भावनाएं हैं सबको हिंद महासागर में फेंक दीजिए और अपनी आत्मा का स्वाभिमान लेकर खड़ा हो जाइए कि हक की मैं बिन मैं मरे नहीं। जब हक की मैं आ जाएगी तो संसार की मैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक बीतक से हम श्री प्राणनाथ जी को नहीं जानेंगे तब तक स्वयं को भी नहीं जानेंगे। हमारा स्वाभिमान भी जब तक खड़ा नहीं होगा, अभिमान पतन का मूल है, लेकिन स्वाभिमान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हमें स्वाभिमान तो रखना पड़ेगा कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा जीवन अन्यों से अलग है, हमारा सिद्धांत संसार को मार्गदर्शन करने के लिए आया है। ये तो गत संसार की जो खेचा खेच करत, अपन तो साथी धाम के है हमें नूर मत। जिस जागृत बुद्धि के ज्ञान के लिए संसार प्रतीक्षा कर रहा था, जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमलों की आने की बाट संसार देख रहा था, उनको तो हमने संतों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। हम स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय संत घोषित कर देते हैं और प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत घोषित करके तालियां बजाने लगते हैं। हम ये भी वक्तव्य देने लगते हैं कि प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, हमें अंग्रेजी आती है, हम कई देशों में घूमे हैं, प्राणनाथ जी ने तो केवल 5,000 को जगाया, हमने तो हजारों को जगा दिया। ये कौन बोल रहा है? हमारे अंदर का अहम बोल रहा है। हमने वो नहीं समझा कि जिन प्रश्नों का समाधान नारायण के पास नहीं था, उन प्रश्नों का समाधान वाणी में है। जो शब्द मोहम्मद साहब की जबान पर नहीं चढ़ सके मारिफत के, उसका स्पष्टीकरण मारिफत सागर और क्यामत नमा में है। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान लेकर हम कहीं न कहीं एक छिपे पड़े हैं, हम भय खाते हैं संसार के सामने आने से। लेकिन जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अपने अतीत के गौरव को याद नहीं करेंगे, परम धाम की गरिमा को नहीं समझेंगे, स्वाभिमान लेकर खड़े नहीं होंगे, तब तक जो हमारे जीवन का लक्ष्य है अधूरा हो जाएगा। मैं YouTube से चर्चा सुनने वाले देश के सभी सुंदर साथ से ये निवेदन करूंगा कि बीतक के प्रत्येक घटनाक्रम को सावधानी से सुने, आत्मसात करें और आत्मचिंतन करें कि अब बहुत सहन की लीला हो चुकी, अब बौद्धिक क्रांति का युग है, आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, ताकि हर बालक, हर युवा, हर वयोवृद्ध, हर माँ बहन चितवनी में बैठे बैठे यहीं से परम धाम को देखे, स्वयं को देखे। सारे संसार में इस ज्ञान की धारा को प्रवाहित करना है तो हमें रूढ़िवादता से स्वयं को अलग करना होगा और बीतक को एक परंपराबद्ध रूप से न सुन करके चिंतन के धरातल पर हम सुने, समीक्षा करें स्वयं कि हमने आज तक क्या पाया है और क्या खोया है।
आने वाले समय में हमें क्या करने की आवश्यकता है। राज्य की विशेष कृपा है अशोक जी पर। अशोक जी आपको वित्त का श्रवण कराएंगे। मैं देश के सभी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ कि इस वित्त को सुने और जैसा कि मैं चाहता हूँ हर सुंदर साथ को यदि राज्य की सेवा करनी है तो सारे देश में बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी, आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके लिए कितना तैयार हैं, अपने हृदय से इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। राम जी सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम, जो कब कानों ना सुनी सो करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवनो सो इत मिला नर ना, सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम। जो लो थे पर दे मिने दुनिया जी तब, जो लो थे पर दे मिने दुनिया जी तब, सो पर्दा अब खोलिया दिया मन चाहा सुख सब, सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम, जो कब कानों ना सुने सो करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखरी भाग्य बड़े हैं तुम, भाग्य बड़े हैं तुम, भाग्य बड़े हैं तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
पूज्य स्वामी जी ने हम सबको कम शब्दों में इस बात से अवगत करा दिया कि हम सावन के महीने में बीतक क्यों सुनते हैं। न केवल सावन के महीने में, अपितु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि हम बीतक सुनते क्यों हैं। चाहे किसी भी महीने में सुने, परंपरागत रूप से बीतक सुनने का कारण क्या है ये हमें स्वामी जी के मुखारविंद से स्पष्ट हुआ है। अब बीतक हम सुनते क्यों हैं, बीतक वास्तव में क्या है और इस बीतक में किसका वर्णन है, किस प्रकार की घटनाक्रम का वर्णन है, इसकी चर्चा हम आज से आगे आने वाले दिनों में अगले एक महीने तक सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये था कि हम बीतक सुनते क्यों हैं। जब भी निजानंद दर्शन की हम बात करते हैं, बोलचाल की भाषा में हम निजानंद संप्रदाय कहते हैं, तो उसमें हम दो ग्रंथों का नाम प्रमुखता के साथ में लेते हैं। एक वाणी, जिसको हम स्वरूप साहब भी कहते हैं, कुलजम स्वरूप भी कहते हैं, और दूसरा बीतक। इसके अतिरिक्त भी श्री लालदास जी की बीतक के अतिरिक्त भी हमारे संप्रदाय में अन्य कई बीतक हैं, जिनसे हम कुछ घटनाक्रमों को तो ले सकते हैं, लेकिन जहाँ भी सैद्धांतिक बात आती है तो वहाँ हम श्री लालदास जी की बीतक को वरीयता देते हैं, क्योंकि उसको हम सबसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं। किसी अन्य बीतक में लिखी गई बातों में और श्री लालदास जी कृत बीतक में अगर कहीं पर विरोधाभास है तो हम लालदास जी की बीतक को प्रमाण मानते हैं, और दूसरी बीतक में लिखी गई जो विरोध वाली बात है उसको हम ये मानते हैं कि ये वास्तविकता नहीं है। चलिए, इसका कारण तो हमें बाद में स्पष्ट हो जाएगा अगले प्रसंगों में। तो मुख्य रूप से दो हमारे ग्रंथ हैं, वाणी और बीतक। शाब्दिक दृष्टि से दो ग्रंथ अलग अलग हैं, स्वरूप की दृष्टि से भी दो अलग अलग ग्रंथ हैं। वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं और बीतक के अंदर लगभग 4,500 चौपाइयाँ हैं, तो हम दोनों को अलग अलग ग्रंथ के रूप में मानते हैं। नाम भी हमने दोनों का अलग अलग रखा है, लेकिन जब बात आती है तत्व ज्ञान की, जब हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो वाणी और बीतक को हमें ऐसी अवस्था में अलग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीतक को समझे बिना हम वाणी के प्रसंगों को नहीं समझ सकते। बीतक वाणी को खोलने की चाबी है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हम बीतक की चर्चा क्यों सुनते हैं, तो केवल ये 4,500 चौपाइयों वाले ग्रंथ की हम बात नहीं करते। उस अवस्था में हम संपूर्ण निजानंद दर्शन के ज्ञान की बात करते हैं अथवा ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, वाणी और बीतक की चर्चा की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर हमें तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से, वाणी और बीतक के अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब से यह सृष्टि बनी है और जब से मानव ने विचार करना प्रारंभ किया है, न केवल मानव अपितु इस संसार में अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं अथवा जितने भी जीव हैं, उन सभी का एक स्वभाव होता है। कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो सभी में समान रूप से पाए जाते हैं, और वो स्वभाव क्या है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी अथवा प्रत्येक चेतना
प्रेम, शांति और आनंद पाना चाहती है। कोई भी प्राणी नहीं होगा, कोई भी जीव नहीं होगा, अथवा मनुष्य में भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो प्रेम, शांति और आनंद की इच्छा ना रखता हो। और उस आनंद की खोज में मनुष्य अलग अलग स्रोत में आनंद को खोजता फिरता है। और सबसे पहले वो खोज कहाँ पर करता है? अभी गुरु पूर्णिमा में जो एक कार्यक्रम था हमारा, उस कार्यक्रम में दीप्ति दीदी ने एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति घर पहुंचा शाम को अंधेरे में, उसकी माँ कुछ ढूंढ रही थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि माँ क्या ढूंढ रही हो? माँ ने कहा कि सुई कहीं पर गिर गई थी, वो मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो लड़का भी खोजने लग गया माँ के साथ साथ में। जब काफ़ी देर तक सुई नहीं मिला तो उसने पूछा कि अच्छा माँ, सुई गिरी कहाँ पर थी? तो माँ ने कहा कि अंदर कमरे में। तो बेटे ने कहा कि आप फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो माँ ने कहा कि अंदर अंधेरा था और बाहर उजाला, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। ये कहानी मनुष्य की उस मानसिकता को दर्शाती है कि मनुष्य जहाँ किसी वस्तु अथवा किसी ज्ञान की प्राप्ति होनी हो, ऐसे जगह पर खोज नहीं करता, अपितु सबसे पहले वो उस स्थान में खोजना चाहता है जो उसके लिए सुलभ हो, भले ही वहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति की संभावना हो अथवा ना हो। तो मनुष्य ने प्रेम, शांति और आनंद को उन स्थानों पर खोजना प्रारंभ किया जहाँ उसको खोजने में सुलभता अथवा सरलता का अनुभव हो रहा था। तो उसने सबसे पहले बाहरी सुख में अथवा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले क्षणिक आनंद में सुख को खोजना प्रारंभ किया, शाश्वत सुख को खोजना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत नहीं है। हो सकता है कि मेरी इस बात से कई लोग असहमत हों, लेकिन वास्तविकता यही है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का सहारा लेते हैं। हमारी कौन कौन सी इंद्रियां हैं सभी जानते हैं, जिन इंद्रियों से हम सुख लेते हैं, जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त होने वाले सुख कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांच ज्ञानेन्द्रियों के अलग अलग विषय हैं। कोई किसी को कान से प्राप्त होने वाले मधुर संगीत के सुख में आनंद आता है, किसी को जिह्वा से प्राप्त होने वाले स्वाद के सुख में आनंद आता है, किसी को नेत्रों से प्राप्त होने वाले सुंदर दृश्यों के अवलोकन में अथवा उसको देखने में आनंद की प्राप्ति होती है, तो किसी को त्वचा के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले स्पर्श के सुख में आनंद का अनुभव होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सभी जो सुख हैं वो शाश्वत न होकर के क्षणिक हैं, और इन सुख को लेने के लिए भी पहले हमें दुखी होना पड़ता है। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि आपको जिह्वा के द्वारा स्वाद ग्रहण का आनंद मिले, मान लीजिए आप में से किसी को रसगुल्ला पसंद है, तो सबसे पहले उस रसगुल्ला के स्वाद को लेने के लिए, अभी सब लोग अगर खाना खा करके बैठे हुए हैं तो उसका स्वाद नहीं आएगा, तो उसके लिए पहले भूख रूपी दुख से स्वयं को दुखी करना आवश्यक है। बिना भूख के दुखी हुए व्यक्ति जिह्वा के स्वाद का रस भी नहीं ले सकता। तो पहली बात, उस क्षणिक आनंद के लिए भी पहले से हमें दुखी होना आवश्यक है, और दूसरा, उस क्षणिक आनंद को प्राप्त करते हुए भी कुछ समय के बाद हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। जैसे रसगुल्ले की ही अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति को 10 रसगुल्ला दिया जाए तो वो 2, 4, 6 तक तो खाएगा, लेकिन 10 तक तो जबरदस्ती हो जाएगी, और उसके बाद अगर उसके सामने बंदूक तान करके अथवा जबरदस्ती ये कहा जाए कि 10 और खाना पड़ेगा तुझे, तब उसकी अवस्था कैसी होगी?
जिस मिठाई में उसे पहले सुख का अनुभव हो रहा था, उस सुख को प्राप्त करने के लिए पहले उसे दुखी होना पड़ा और कुछ क्षण के बाद उसी सुख की अधिकता के कारण भी उसे दुखी होना पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस संसार में कोई भी सुख शाश्वत नहीं है। ये तो केवल एक रस रूपी सुख की मैंने बात की। अगर हम बात करते हैं श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा संगीत के सुख की, तो उसमें भी शाश्वतता नहीं है। आप किसी एक संगीत को, अगर संगीत के एक राग की बात की जाए जिसको एक ही व्यक्ति ने गाया हो, आप अधिक से अधिक कितनी बार सुन सकते हैं? 10 बार, 12 बार, 50 बार सुन लेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको जीवन भर इस एक राग, इस एक संगीत के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, तब आप उसको सुनना कुछ समय के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि आप उससे ऊब जाएंगे। और ज़बरदस्ती अगर आपके कान में बजाया जाएगा वही संगीत, तो आप उससे दुखी होने लग जाएंगे। एक ही स्थान में, अगर नेत्रों की बात करते हैं रूप के सुख की, एक ही स्थान में अगर आप बार बार घूमने के लिए जाएं, आपको पसंद नहीं आएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वो परिवर्तन चाहता है। एक ही स्वाद से वो व्यक्ति सुखी नहीं होता, स्वाद में भी उसको परिवर्तन चाहिए। एक ही प्रकार के संगीत से भी वो सुखी नहीं होता, एक ही प्रकार के दृश्य को देखने से भी सुखी नहीं होता। तो इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियों के सुख की बात है। इसलिए इंद्रियों के सुख में शाश्वतता नहीं है। इंद्रियों के सभी सुख क्षणिक हैं, और वो क्षणिक सुख भी आगे जाकर के अगर हम उन सुखों के बंधन में पड़ जाते हैं, तो वो फिर दुखों का कारण बन जाता है, दुख का मूल बन जाता है। जब हम न्याय दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें दुख की 21 सीढ़ियों का वर्णन करते हुए सुख, दुख और शरीर, ये तीन दुख की सीढ़ियाँ बताई गई है। तो इसमें जो सुख शब्द का प्रयोग किया है, वो संसार के क्षणिक सुख के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि उस संसार के सुख के चक्र में फंस करके जीव अथवा चेतना शाश्वत सुख को भुला देती है, और जन्म और मृत्यु के चक्र में वो लगातार घूमती रहती है। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इंद्रियों के सुख में शाश्वत सुख नहीं है, अथवा शाश्वत आनंद नहीं है। इंद्रियों के द्वारा जिन भी आनंद का हम अनुभव करते हैं, वे अखंड अथवा शाश्वत नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि शाश्वत सुख कहाँ पर है? तो उसका चिंतन करते करते, उसके विषय में खोजते खोजते, हमारे दर्शनकार मुनि कहते हैं, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। तम आत्मस्थम अर्थात उस परमात्मा को आत्मस्थ होकर के, आत्मदृष्टि से देखे बिना अथवा उसका अनुभव किए बिना शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद की कल्पना करना व्यर्थ है। तो व्यवहारिक उदाहरणों से तथा दार्शनिक धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि संसार में शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख की अगर प्राप्ति करनी है, तो हमें उस परब्रह्म की, उस परमात्मा की खोज अथवा उसकी प्राप्ति करनी होगी, तभी हम शाश्वत सुख को पा सकते हैं। अब हम इसी क्रम में अगले चरण में बढ़ते हैं। शाश्वत सुख यहाँ नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब कहाँ है, ये बात भी हमें ज्ञान दृष्टि से तो पता चल गया कि परमात्मा को पाने में, उसको आत्मदृष्टि से देखने में, उसका अनुभव करने में ही शाश्वत सुख है। तो अब अगले चरण में प्रश्न भी एक और उत्पन्न होता है कि उस परब्रह्म को पाए कैसे। जब भी अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न की बात की जाती है, तो उनमें 5 प्रश्नों को मूल आध्यात्मिक प्रश्न माना जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है। अगर इसको हम संक्षिप्त रूप दे दें, तो अपना वास्तविक स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्थान, उसके बाद परमात्मा के धाम, स्वरूप और लीला की पहचान। जब हम
क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वाणी और बीतक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी में किरंतन एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ की पहली चौपाई है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तो सबसे पहले जब अपनी पहचान के विषय में बात करते हैं तो अपनी पहचान में ये सभी पांचों प्रश्न जुड़े रहते हैं। हमें कोई संसार में भी लौकिक रूप से अपना परिचय देना होता है तो सिर्फ नाम बता करके हम चुप नहीं हो जाते। जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो अपना नाम बताते हैं, अपने माता पिता का नाम बताते हैं, हम कौन से स्थान से आए हैं अथवा किस जगह के रहने वाले हैं वो बताते हैं, हमारा काम कौन सा अथवा हम कैसा जॉब करते हैं या किस तरह का बिजनेस करते हैं, अथवा इसको अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो कमाने का जरिया क्या है, कमाने का स्रोत क्या है, ये सब बताते हैं। उसके बाद ही हम अपने परिचय को पूर्ण परिचय मानते हैं, जबकि ये भी पूर्ण परिचय नहीं होता है। पूर्ण परिचय किस तरह से होगा इसको हम आगे आने वाले दिनों की चर्चा में सुनेंगे। आज जितना आवश्यक है पहले उतनी बातों को समझते हैं पहले दिन की चर्चा में। तो जब हमने बात की कि मैं कौन हूं, उस मैं कौन हूं इस प्रश्न के साथ में बाकी और चार प्रश्न भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब भी हमने पहला सवाल किया तो हमने ये चिंतन करना शुरू किया। आपको पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, तो आप अपने शरीर का नाम बताएंगे कि मान लीजिए मेरा नाम नैतिक है। जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम नैतिक है, तो क्या मैं नैतिक हूं? क्योंकि अगर मैं नैतिक हूं तो फिर अगर मेरे शरीर का नाम बदल दिया जाए, नैतिक का नाम अगर रोहित रखा जाए, तो क्या नैतिक के अंदर जो चेतना है उसमें कमी अथवा बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। उसके जो लक्षण होंगे, उसके जो गुण कर्म स्वभाव होंगे, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। तो शरीर का जो नाम है वो हमारा वास्तविक परिचय कैसे हुआ? हम अपने स्थान का नाम दे देते हैं कि हम फलाने स्थान से आए हैं, लेकिन अगर हमारा जो पता है, लौकिक पता अगर बदल जाता है तब भी हम तो वही रहते हैं। हम अपने माता पिता का नाम दे देते हैं, लेकिन क्या पता इस जन्म में जो हमारे माता पिता थे, इससे पहले के कई जन्मों में हम उनके माता पिता रहे हों, और आने वाले कई जन्मों में अगर जन्म हुआ तो वापस हम किसी और रिश्ते में होने वाले हों, क्योंकि चेतना तो प्रवाह रूप से अनादि है। ये जो माता पिता हमारे इस जन्म के हैं वो तो हर जन्म में हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसीलिए शरीर का जो हम परिचय देते हैं नाम के साथ में, माता पिता अथवा स्थान के साथ में, ये परिचय अधूरा है और नश्वर है, ये भी क्षणिक है, ये शाश्वत परिचय नहीं है। अब जब हम इससे थोड़ा और भीतर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हैं, आत्मा है। कोई जीवात्मा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई बोलचाल की भाषा में आत्मा कहता है। जीव और आत्मा में फर्क क्या है इसको भी हम आगे आने वाली चर्चा में सुनेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी हम ये मानकर चलते हैं कि हम चेतना है, हम ये शरीर नहीं है। तो उसके बाद प्रश्न ये होता है कि जैसे शरीर का एक मूल था हमारा, शरीर के उत्पन्न होने का एक स्रोत था, वैसे ही आत्मा का कोई ना कोई मूल तो होगा, कोई ना कोई स्रोत तो होगा। शरीर की उत्पत्ति संसार के पांच तत्वों और तीन गुणों से मिलकर के हुई है। इसी तरह से आत्मा का मूल क्या है, आत्मा का स्थान कौन सा है? जैसे शरीर का एक स्वभाव है नश्वरता, शरीर का स्वभाव है परिवर्तनशीलता, शरीर का स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का भी तो कोई स्वभाव होगा। तो हम उस प्रश्न में पहुंचते हैं। तो उन प्रश्नों की खोज करते करते हम धर्म ग्रंथों में पहुंचते हैं कि इसका उत्तर कहाँ मिल सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में बाह्य रूप से देखने पर इन आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान नहीं मिल सकता। तो जब हम धर्म ग्रंथों में खोजने लगते हैं हमारे वास्तविक परिचय को, परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के ज्ञान को, तो किसी भी धर्म ग्रंथ में इसके विषय में स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं मिलता है।
सुनने में अटपटा लग सकता है, विरोधपूर्ण बातें लग सकती है, लेकिन यह वास्तविकता है। सबसे पहले हम अगर वेदों का उदाहरण लेते हैं, ऐसा नहीं है कि धर्मग्रंथों में परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में कहीं ज्ञान ही नहीं है, है लेकिन केवल संकेत में, केवल संकेत किया गया है, सिर्फ इशारों में बातें बताई गई है कि परब्रह्म का धाम ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, लीला ऐसी है। लेकिन जब तक हमें तारतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वाणी और बीतक की दृष्टि से देखे बिना हम धर्म ग्रंथों के उन रहस्यों को समझ ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी वेद के विद्वान को, जिसके पास तारतम ज्ञान न हो, उसे आप पूछें कि परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप कैसा है और धाम कहाँ पर है, तो 99% कहेंगे कि इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक है। चाहे वो वेद का विद्वान हो, चाहे दर्शन का विद्वान हो, यही कहेंगे कि इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक है। और अधिकांश लोग ये कहेंगे कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात वो निराकार है। कुछ लोग उसको साकार बताएंगे, उसमें हम बाद में जाते हैं उस प्रश्न में, उस शंका में। तो जब हमने वेद के विद्वान से पूछा कि परब्रह्म कहाँ है और कैसा है, तो उसने कहा कि परब्रह्म निराकार है और इस संसार के कण कण में व्यापक है। अब जैसे ही हमने ये बात सुनी, तो हमें विचार करना चाहिए कि अगर परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक है, तो इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारी शंकाएं हो सकती है, बहुत सारी आपत्ति हो सकती है। और वो आपत्ति कैसे हो सकती है, मैं आपको कुछ उदाहरण और कुछ प्रमाण से ये बात स्पष्ट करता हूं। जैसे व्यापक होने का क्या तात्पर्य है कि एक गिलास पानी आप ले लीजिए और उसमें चीनी, शक्कर अथवा नमक किसी भी पदार्थ को आप घोल दीजिए, तो ये कहा जाएगा घुलने के बाद कि गिलास के पानी के प्रत्येक बूंद में चीनी अथवा शक्कर अथवा नमक व्यापक है। लेकिन ये बात हम कैसे जान पाएंगे, तीन गिलास में एक में फिटकरी को पीस करके घोल दिया जाए, एक में चीनी और एक में नमक, तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि कौन से गिलास में चीनी व्यापक है, कौन से ग्लास के पानी में नमक व्यापक है और किस में फिटकरी व्यापक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको उस पानी को चखेंगे। चखने के बाद में जिसका स्वाद कसैला होगा, हम कहेंगे कि ये फिटकरी है। नमक वाले स्वाद को, नमकीन स्वाद को हम कहेंगे कि इसमें नमक व्यापक है। और मीठे स्वाद वाला जो पानी होगा, उसको हम कहेंगे कि इसमें शक्कर व्यापक है। इसका मतलब है कि जिस पदार्थ में, जो पदार्थ व्यापक है, उसके गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा हमें ये बात ज्ञात होती है कि इसमें कौन सा पदार्थ व्यापक है। वैसे ही हमें परब्रह्म के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में तो पता है कि उस परब्रह्म को हम सत, चित और आनंद कहते हैं। सत का क्या तात्पर्य है कि जो तीनों कालों में परिवर्तित ना हो, भूत, भविष्य और वर्तमान में जिसका रूप, जिसका गुण, जिसका कर्म और स्वभाव परिवर्तित ना हो, उसको सत कहते हैं। चित्त का मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी प्रकार की लीला करता हो, जो चेतन हो, उसको चित्त कहा है। और आनंद का तात्पर्य हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार के विषय में और परब्रह्म के विषय में बात स्पष्ट करते हुए धर्म ग्रंथ का कथन है, असत जड़म च दुखम च माया रूपम त्रिधा स्मृतम अतः तद विपरीतम ही सच्चिदानंद लक्षणम। इस संसार का लक्षण क्या है कि ये असत, जड़ और दुखमय है। असत का मतलब, जैसे सत का अर्थ है जो तीनों कालों में परिवर्तित नहीं होता है, वैसे ही असत का तात्पर्य है जो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। अणु परमाणु में प्रति क्षण कंपन चलता आ रहा है
और इसी तरह से न केवल अणु परमाणु में, न केवल इस संसार के पदार्थों में, बल्कि हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। हम प्रत्येक पल एक एक सेकेंड करके हमारी उम्र कम होती जा रही है और हमारी आयु बढ़ती जा रही है। आज से कुछ समय पहले जो व्यक्ति बालक था आज किशोर है, कुछ समय के बाद में वो वृद्ध हो जाएगा और कुछ समय के बाद वो यहाँ पर इस संसार में ही नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य ये है कि अगर इस संसार के कण कण में परमात्मा व्यापक होता तो उसके गुण कर्म स्वभाव, अथवा एक शब्द में कहें तो उसके लक्षण भी इस संसार के कण कण में व्यापक होना चाहिए था। उस परब्रह्म को हम ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, जिसको हम प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। अगर संसार के कण कण में वह व्यापक होता तो वेद, दर्शन, उपनिषद अथवा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो अज्ञानी को होती है। जब संसार में प्रत्येक कण में परब्रह्म है तो अज्ञानी कौन तथा ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए। इसी तरह से जब हम उसके स्थान की बात करते हैं, धाम की बात करते हैं, जैसे ये बताया गया कि संसार के कण कण में उस वो परमात्मा है, वैसे जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो कहा गया कि वह निराकार है। पर उसको निराकार मानने के पीछे कारण ही ये है कि परमात्मा को हमें इस संसार के कण कण में व्यापक बताना है। अगर साकार बताते हैं तो हम व्यापक नहीं बता सकते। अगर हमें व्यापक बताना है परमात्मा को, अगर हमें परमात्मा को सर्वज्ञ बताना है, तो हमें फिर उस परमात्मा को निराकार और सर्वव्यापक मानना पड़ेगा। ये कारण था। जबकि उस परब्रह्म को सर्वज्ञ होने के लिए सर्वत्र स्वरूप से विद्यमान होना, विराजमान होना आवश्यक नहीं है। एक तरफ तो हम उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। आज एक योगी इस संसार का एक स्थान में बैठे बैठे भारत में रह करके सुदूर देशों में, पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में, अथवा अपने से किसी दूर कौन से व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उस बात को अगर जान सकता है, तो फिर क्या वह परब्रह्म अपने दिव्य ब्रह्मपुर में विराजमान होकर के सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकता। और ये तो सिर्फ हम तर्क की बात कर रहे हैं। जब हम प्रमाण की बात करते हैं तो वेदों में कई ऐसे मंत्र उपलब्ध हैं जिसमें परब्रह्म को शुद्ध साकार स्वरूप वाला कहा गया है। वेद का कथन है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाया। वो परमात्मा आदित्य वर्ण वाला है, निराकार तो इस मंत्र में नहीं कहा है। इसी तरह से एक और मंत्र में कहा, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानं धीरम अजरम युवानम। इस मंत्र में उस परमात्मा को अजर, अमर और युवा स्वरूप वाला, किशोर स्वरूप वाला कहा है। ऐसे अनेकों मंत्र वेदों में विद्यमान है जिसमें परब्रह्म को शुद्ध साकार स्वरूप वाला कहा गया है। शुद्ध साकार का तात्पर्य यह है कि परमात्मा साकार नहीं है। साकार और शुद्ध साकार में ये अंतर है कि साकार का मतलब है हमारी इन इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम अनुभव कर सकें। जैसे हम किसी की फोटो बनाते हैं, किसी की तस्वीर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं अथवा मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति को, उस चित्र को हम साकार कहते हैं, जिनको हम इन आँखों से प्रत्यक्ष कर सकें। और निराकार का मतलब है जिनको, जिसकी कोई आकृति ही ना हो, निर्गतः आकारः स निराकारः। लेकिन शुद्ध साकार का तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा की आकृति अथवा स्वरूप तो है, जिसको वेद स्वरूप कृत्नुम अथवा सौंदर्य का, स्वरूप का निर्माता कहकर वर्णित करते हैं, वो स्वयं स्वरूप और सौंदर्य से रहित कैसे हो सकता है। तो उसका स्वरूप अथवा उसकी आकृति तो है, लेकिन इन इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस परब्रह्म को शुद्ध साकार स्वरूप वाला कहा गया है।
इसी तरह वेद में उस परब्रह्म के धाम का वर्णन किया कि अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरुयोध्याया तस्मिन हिरण्यय कोशो स्वर्ग ज्योतिषावृतः। वह परब्रह्म, अब इस मंत्र की व्याख्या में अनेकों विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि मानव शरीर आठ चक्र और नौ द्वारों से निर्मित है। नौ द्वार तो शायद प्रत्येक विद्यार्थी को भी पता है और प्रत्येक धर्म प्रेमी सज्जन जो सामान्य धर्म का भी ज्ञान रखते हैं वो नौ द्वार के विषय में जानते हैं। वैसे ही शरीर में आठ चक्रों का वर्णन किया जाता है, तो इस मंत्र का अर्थ करते हुए कई अधिकांश विद्वान ये कहते हैं कि शरीर में ही परब्रह्म का वास है। लेकिन जब हम एक तार्किक दृष्टि से इस मंत्र का अवलोकन करते हैं तो हमें इसमें कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर आठ चक्र और नौ द्वार इस शरीर में होने से इस शरीर को ही उस परब्रह्म का धाम मान लिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तो यह आवश्यक नहीं है कि संसार में जितने प्राणी हैं सब में आठ चक्र और नौ द्वार उपस्थित हो। मनुष्यों में भी, जितने मनुष्य हैं उनमें भी सभी के नौ द्वार नहीं होते, कई अपांग होते हैं शारीरिक दृष्टि से। चलिए उस बात को भी छोड़ दिया जाए तो इस संसार में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो एक कोशीय हैं, अमीबा जैसे, वो भी तो चेतन है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि परमात्मा सब प्राणियों में है तो फिर आठ चक्र और नौ द्वार इस मंत्र के माध्यम से केवल मानव शरीर में ही कैसे घोषित कर सकते हैं? तो तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से यह बात स्पष्ट होती है कि आठ सागर और नौ भूमिका से युक्त वह परमधाम, जिस परमधाम को उपनिषद में यह कहा गया कि दिव्य ब्रह्मपुरे ही एष व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, उस दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम में उस परब्रह्म का वास है। तो वेद में, दर्शन में, उपनिषद में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सांकेतिक हिसाब से लिखी गई है, उन संकेतों को खोलने के लिए सिर्फ तारतम्यवाणी और बीतक ही वो कुंजी है, वो चाबी है जो उन संकेतों को खोल करके आध्यात्मिक जो मार्ग है हम सभी के लिए आसान कर सकती है। तारतम्य ज्ञान के आने से पहले तो सभी लोग यही मानते आ रहे थे कि किसी का झगड़ा इस बात का था कि परमात्मा साकार है, किसी का झगड़ा था कि परमात्मा निराकार है। साकार मानने वालों में भी बहुत सारे सिद्धांत थे क्योंकि सब लोग साकार मानते ही अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मन की कल्पना के आधार पर उसका रूप अथवा उसकी आकृति को गढ़ रहे थे। निराकार को मानने वाले भी उसको पाने के अलग अलग तरीके बता रहे थे, अथवा कोई अद्वैतवाद को मान रहा था, कोई स्वलीला अद्वैत को मान रहा था, कोई त्रैतवाद को, कोई द्वैतवाद को, कोई शुद्धाद्वैत, कोई शुद्धात्रैत, ऐसे करके अनेकों संप्रदायों की रचना हुई। लेकिन तारतम्य ज्ञान की दृष्टि के बिना धर्म ग्रंथों के रहस्य नहीं खुले। इसलिए जब तक हम वाणी और बीतक का ज्ञान ग्रहण नहीं करते, जब तक हम वाणी और बीतक के तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, तब तक संसार में जितने भी धर्म के नाम पर होने वाले विरोध हैं वह विरोध समाप्त नहीं हो सकते। अभी तो हमने संक्षेप में, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है, केवल आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले 30 दिनों में हमें केवल इन्हीं विषयों में चर्चा करनी है बीतक के अलग अलग प्रसंगों के आधार पर, जिसमें अभी जो प्रसंग छूट रहे हैं अथवा जिनका वर्णन संक्षेप में हो रहा है उनका वर्णन भी विस्तृत रूप में हो जाएगा। तो अभी हमने केवल वैदिक पक्ष का अथवा जिसको हम हिंदू पक्ष अथवा सनातन पक्ष कहते हैं उसका भी सिर्फ संकेत में वर्णन सुना। संसार में संप्रदाय तो और भी हैं, धर्म ग्रंथ तो और भी हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, जिसको हम कतिब परंपरा के ग्रंथ कहते हैं, तो उनके अनुयायी भी ये मानते हैं कि हमारे ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे ग्रंथों को ही आखिरी पैगाम अथवा आखिरी धर्म ग्रंथ माना जाना चाहिए, यही
शाश्वत सत्य है, इसके आगे का जो ज्ञान है अथवा इसके अतिरिक्त जितने भी ज्ञान है वो व्यर्थ है अथवा झूठे हैं, ऐसा मानने वाले भी हैं, उनके लिए भी तारतम वाणी और वितक की दृष्टि से देखे बिना उन ग्रंथों में जो ज्ञान है वह स्पष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कुरान को ले लेते हैं। कते परंपरा में कुरान के जो अनुयायी हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, उनको अगर पूछा जाए कि परब्रह्म का स्वरूप कैसा है तो वो मुख्य रूप से चार शब्दों का प्रयोग करते हैं परमात्मा का वर्णन करते हुए। अगर उसको हम तत्सम शब्दों में कहें तो हम उनको अनुपम कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, और उसी को अगर कते परंपरा में देखें तो बेचुन, बेचगुन, बेशब्बी और बेनिमुन कहकर वर्णित किया है। इसका मतलब भी यही होता है कि निराकार है, निर्गुण है, अनुपम है। अब जो मुस्लिम ये कहते हैं कि परमात्मा बेचुन, बेचगुन, बेशब्बी और बेनिमुन है, इसके पीछे कारण ये है कि खुदा की जो सूरत है उसका जो वर्णन है वो तो खुद खुदा ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनको इतना पता नहीं है कि जिस खुदा की सूरत का वर्णन करते हुए, उसका बयां करते हुए कुरान में मोहम्मद साहब कहते हैं, एक ग्रंथ आता है शबे मेराज, जिसमें मोहम्मद साहब के द्वारा जो दर्शन की प्राप्ति हुई थी उसका वर्णन किया गया है, और उस दर्शन की रात्रि का वर्णन करते हुए, क्योंकि शबे मेराज का मतलब ही होता है दर्शन की रात्रि, तो उसका वर्णन करते हुए उसमें लिखते हैं कि मैंने खुदा की अमृत सूरत का दीदार किया। अमृत का मतलब होता है किशोर, और उनके गेशुओं में से, गेशु कहते हैं बाल को अथवा केश को, उनके गेशुओं में से इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तो जिसकी सूरत को, जिसके छवि को अथवा जिसके स्वरूप को अमृत अथवा किशोर कह रहे हैं, जिसके बाल का वर्णन है, जिसके अन्य अंगों का अथवा जिसके सुगंध का वर्णन है, जो किसी एक स्थान पर रहता है जिसको अर्श आजम कहा गया है, तो वह निराकार अथवा निर्गुण कैसे हो सकता है? बाइबल के जो अनुयायी हैं वो भी ऐसी बात करते हैं, क्योंकि कतेव परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं, इंजिल, जंबूर, तौरात और कुरान, उनमें अधिकांश बातें एक जैसी है। अब बाइबल के जो अनुयायी हैं अथवा जिनको हम ईसाई कहते हैं, किसी भी ईसाई व्यक्ति से पूछा जाए कि परब्रह्म कैसा है, वो भी यही कहेगा कि निराकार है, लेकिन उनको अगर हम तारतम ज्ञान की दृष्टि से देख करके बाइबल के कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक दो उदाहरण देता हूँ बाइबल से। बाइबल का जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला जो अध्याय है, वह है बुक ऑफ जेनेसिस। हिंदी अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको सृष्टि की किताब, और सृष्टि की किताब के दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में एक मनुष्य की उत्पत्ति का प्रसंग आता है, जिसमें लिखा है कि द गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ऑन इमेज। इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इस प्रकार से होगा कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया, और कुछ विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार से भी करते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपनी छाया में रख करके, मतलब परमात्मा की जो छाया है उस जगह पर मिट्टी रखी, अजाजिल के द्वारा लाई गई, और फिर उस परमात्मा ने मनुष्य की रचना की उस छाया में रख करके। दोनों का तात्पर्य अथवा भाव यही निकलता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया। तो जिसने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया वह निराकार कैसे हो सकता है, इस विषय में कोई भी ईसाई व्यक्ति चिंतन ही नहीं करता है। उसके स्थान का जब वर्णन करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार के कण कण में है, कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा स्वर्ग में है। लेकिन और अगर हम बात करें, मान लीजिए पहली बात को मान लेते हैं कि परमात्मा इस संसार के कण कण में व्यापक है, इसका उत्तर तो हमें पहले प्रश्न में ही मिल चुका है, पहले प्रसंग में ही, और अगर हम उसको स्वर्ग में ही मान लेते हैं बाइबल के आधार पर, तो भी एक प्रश्न उठता है कि बाइबल की सबसे पहली जो लाइन है, अर्थात बाइबल की शुरुआत ही ऐसे होती है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, सबसे पहले परमात्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना एक समय पर हुई है बाइबल के अनुसार।
तो उससे पहले परमात्मा कहां पर रहता था, क्योंकि स्वर्ग की रचना तो पृथ्वी के साथ साथ में हुई है। तो इसका उत्तर किसी भी ईसाई व्यक्ति के पास में नहीं होता है, चाहे वो कोई सामान्य ईसाई धर्म का अनुयायी हो, चाहे कोई ईसाई धर्म का पादरी अथवा पोप हो। तो केवल तारतम ज्ञान की दृष्टि से ही बाइबल के जो अनसुलझे रहस्य हैं अथवा कतेब पक्ष के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अनसुलझे रहस्यों का उद्घाटन होता है अथवा वो रहस्य खोले जा सकते हैं। इसीलिए ये बात तो स्पष्ट हो गया कि संसार में जो भी आध्यात्मिक जगत के मूल प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर धर्म ग्रंथों में केवल संकेत मात्र में है और उन संकेतों को केवल तारतम ज्ञान की दृष्टि से ही खोला जा सकता है। अब वो संकेत कौन कौन से हैं और तारतम ज्ञान के कौन से प्रसंग से किस संकेत को अथवा धर्म ग्रंथ के कौन से प्रमाण को हम स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले आने वाले दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न ये था कि वाणी और वित्तक की आवश्यकता क्यों है, इसका उत्तर संक्षिप्त में हमें प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न ये होता है कि हमें क्या वित्तक हमें सावन के महीने में ही सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो इस बात का विरोध करते हैं कि दूसरे समय में वित्तक नहीं की जानी चाहिए। हाँ, आज तो शिक्षा का, वाणी का प्रचार प्रत्येक सुंदर साथ के पास पहुंच रहा है तो जागरूकता है, जागृति है। अन्यथा पहले जो चीज़ें अथवा जो ज्ञान, जो बातें हमें परंपरागत रूप से सिखाई बताई जाती थी उसी को हम यथार्थ सत्य मान लेते थे। तो वास्तविकता तो यह है, जैसे हमने स्वामी जी के मुखारविंद से सुना कि वित्तक सावन के महीने में क्यों की जाती है, कारण उसका यह है कि आज के दिन से वित्तक लिखना प्रारंभ हुआ था। तो उस परंपरा को निभाते हुए हम आज के दिन में वित्तक सुनते अथवा वित्तक की चर्चा करते हैं। वास्तव में वित्तक केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं है, वित्तक क्या है इसी प्रकरण की, इस वित्तक ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में एक चौपाई से हमें स्पष्ट हो जाता है कि विरोध सारी विश्व का भागत इन वित्तक, सबको पहचान हो वही पहुंचावे कदमोहक। वित्तक क्या है? वित्तक एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से इस संसार में धर्म के नाम पर जितना भी विरोध हो रहा है, जितनी भी अशांति है, उस विरोध का समापन अथवा उस विरोध का अंत किया जा सकता है। क्योंकि इस संसार में आज जितना भी, चाहे आतंकवाद कहें चाहे अशांति कहें, उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो धर्म ही है। धर्म का मतलब वास्तविक धर्म नहीं, धर्म के नाम पर होने वाली जो वैचारिक मतभेद है वो। तो वित्तक का तात्पर्य तो ये हुआ कि जिससे इस संसार के संपूर्ण विरोध का नाश हो, इस प्रकार का ज्ञान है वित्तक। अब उसको केवल एक निश्चित महीने में ही किया जाए ऐसा तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वैश्विक शांति के लिए तो प्रत्येक पल हमारे जीवन का जो प्रत्येक क्षण है वो लगाया जाए वह भी कम है, तो हम केवल एक महीने में उसको बांध करके रखें ये उचित नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी समय हो हमें वित्तक को सुनना अथवा सुनाना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें वित्तक केवल सुनने सुनाने तक सीमित ना रह करके, जितने भी सुंदर साथ, जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन इस वित्तक की चर्चा को सुन रहे हैं, हम सबको ये चाहिए कि उस वित्तक को हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू करें। क्यों? क्योंकि वित्तक का जो शाब्दिक अर्थ है उससे हम इस बात को समझ सकते हैं। वित्तक के दो अर्थ होते हैं, एक वित्तक का अर्थ है घटनाक्रम, बीता हुआ घटनाक्रम, और दूसरा वित्तक शब्द को दूसरे भाषा में अथवा दूसरे शब्दों में वृत्त भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको वृत्त कहते हैं, कुछ वित्तक कहते हैं। अगर हम घटनाक्रम भी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको घटनाक्रम, फिर भी ये हमारे लिए आवश्यक कैसे है? दोनों तरह से
चाहे वृत्त माने चाहे घटनाक्रम माने, अगर हम इसकी आवश्यकता को समझेंगे तभी तो हम इसको हम अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। तो इसकी आवश्यकता इस तरह से है कि मनुष्य को चाहिए, किसी विद्वान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भूतकाल से शिक्षा लेकर के वर्तमान को सुधारे ताकि उसका भविष्य अच्छा हो। अगर हम इसको बीती हुई घटनाक्रम भी मानते हैं तो भी हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरा, इसको वृत्त कहने पर इसका अर्थ कैसे निकलता है? वृत्त का अर्थ होता है गोला आकार। और कोई भी वृत्त आकार कैसे बनता है? वृत्ताकार को बनाने के लिए आप सब जानते हैं, एक पेंसिल अथवा पेन अथवा लेखनी को जिस बिंदु से शुरू करते हैं पूरा घुमा करके वापस उसी बिंदु में जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक कोई भी वृत्त नहीं बन सकती है। इसी तरह से इस वित्तक को वृत्त मानने पर इसका अर्थ इस तरह से होगा कि परम धाम से शुरू होकर के, अर्थात परम धाम के प्रेम संवाद से शुरू होकर के पुनः उसी परम धाम में पहुंचने तक की संपूर्ण घटनाक्रम को वित्तक कहा जाता है। अगर हम इसका ये भी अर्थ मानते हैं जो कि उचित अर्थ है, यही यथोचित और वास्तविक अर्थ है, और ये अर्थ मानने पर भी ये स्पष्ट होता है कि बीतक अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बीतक अभी चल रही है। भले ही ये लगभग 4,500 चौपाइयां हमें लिखित रूप में हमारे सामने बीतक ग्रंथ के रूप में उपस्थित है, लेकिन आगे जो प्रकरण की हम चर्चा करेंगे उन प्रकरणों से हमें स्पष्ट हो जाएंगी कि बीतक अभी पूर्ण नहीं हुई है। ये केवल उस समय तक की घटनाक्रम है। बीतक तो 7 दिन की हम कहते हैं, तो 7 दिन में छठे दिन की लीला अभी चल रही है, और इस छठे दिन की लीला में हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इसलिए जितने भी सुंदर साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं, दोनों तरह से बीतक का अर्थ लेने पर किसी भी तरह से हम अर्थ लें, हमें बीतक को ग्रहण करना, उसको आचरण में लाना आवश्यक है। तो इस बीतक ग्रंथ की शुरुआत करते हुए महामति श्री लालदास जी, क्योंकि पंचमी के दिन से बीतक की शुरुआत हुई थी, महामति श्री लालदास जी लिखते हैं, अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते हैं। सबसे पहले शब्द आया है अथ। अथ का अर्थ है अब। अब का मतलब यह है कि शुरुआत करते हैं। अथ शब्द के प्रयोग करने का कारण यह है कि इस शब्द का प्रयोग मंगलाचरण के रूप में होता है। आप जितने भी आर्ष ग्रंथ देखेंगे उनमें, वेदों में तो ओम शब्द से शुरुआत किया जाता है, उसके अतिरिक्त जितने दर्शन ग्रंथ हैं उनमें दर्शन ग्रंथ की जो शुरुआत है, जो प्रथम सूत्र है, उसमें अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण जो ग्रंथ है उसमें भी अथ शब्द से शुरुआत की जाती है। जैसे दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अब हम योग की व्याख्या करते हैं और योग अनुशासन का विषय है। अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन में पहला सूत्र कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। इसी तरह से व्याकरण का पहला सूत्र है अथ शब्द अनुशासनम। ऐसे ही इस बीतक ग्रंथ की शुरुआत करते हुए मूल स्वरूप का ध्यान करके महामति जी अब शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया और आगे कहते हैं तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। अब हम तीन स्वरूप की बीतक लिखने जा रहे हैं। इस तीन स्वरूप के विषय में बहुत सारे मत हैं। कुछ सुंदर साथ बसरी मलकी और हक्की को तीन स्वरूप मानते हैं, जैसा कि वाणी की चौपाई में कहा बसरी मलकी हक्की, कहीं मोहम्मद तीन सूरत। ऐसे ही कुछ सुंदर साथ ब्रज रास और जागनी के स्वरूप से तीन स्वरूप की बात करते हैं, लेकिन जब हम बीतक की चर्चा कर रहे हैं तो बीतक में तीन स्वरूप इनसे भिन्न है।
वाणी में दो अलग अलग प्रसंग में बसरी मलकी और हक्की तथा ब्रज रास और जागनी के स्वरूप को तीन स्वरूप भले ही कहा है, लेकिन बीतक में जिन तीन स्वरूप का वर्णन है वो उससे थोड़ा भिन्न है। बीतक में तीन स्वरूप से तात्पर्य है, सबसे पहला स्वरूप है देवचंद्र जी का, इसको हम मलकी स्वरूप कहते हैं। दूसरा स्वरूप है हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी, और तीसरा स्वरूप है महाराजा श्री छत्रसाल जी। इस पर प्रश्न ये हो सकता है कि बसरी स्वरूप को क्यों नहीं लिया गया अथवा ब्रज और रास के स्वरूप को क्यों नहीं लिया गया। तो जब हम संपूर्ण बीतक पढ़ेंगे, अगर हमें सिर्फ अथ तीन स्वरूप की बीतक पढ़ करके समाप्त कर देना है तो हम कोई भी स्वरूप माने कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब हम संपूर्ण बीतक की चर्चा करने जा रहे हैं तो संपूर्ण बीतक पढ़ने के बाद ही हमें स्पष्ट होगा कि बीतक में कौन से तीन स्वरूपों का वर्णन किया गया है। बीतक के दूसरे प्रकरण में एक चौपाई आती है कि सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस चार पांच और छठा दिन तब जाहिर होवे अरस। तो तीन स्वरूप की बीतक में चौथे पांचवें और छठे दिन की लीला का वर्णन है, और साथ ही शर्त ये रखी गई है कि 120 वर्ष की बीतक है। तो जब हम 120 वर्ष की बात करते हैं तो ब्रज और रास को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ब्रज और रास की लीला तो लगभग 5000 वर्ष पहले की है। बसरी स्वरूप को भी हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बसरी स्वरूप भी देवचंद्र जी के जन्म से 990 वर्ष पहले आ चुके थे। तो 120 वर्ष की लीला में न ब्रज और रास के स्वरूप को लिया जा सकता है, न बसरी स्वरूप अर्थात मोहम्मद साहब को लिया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि देवचंद्र जी, श्री मिहिरराज जी और महाराजा छत्रसाल जी के तन को ही लेना पड़ेगा। और बीतक में ही आगे 62वें प्रकरण में ये चौपाई स्पष्ट कहती है कि या में अपनी बीतक सब है श्री देवचंद्र जी तेरो मेरो नाम। महाराजा श्री छत्रसाल जी को श्री जी कहते हैं कि हमारी सारी बीतक जिसमें देवचंद्र जी का तुम्हारा और मेरा नाम है। तो 120 वर्ष की जो बीतक है देवचंद्र जी के जन्म से लेकर के अर्थात 1638 से लेकर के दूसरे तन से जो लीला हुई अर्थात मिहिरराज जी के तन से जो लीला हुई 1712 से लेकर के 1751 तक, और उसके बाद 1751 से लेकर के 1758 तक, ये 120 वर्ष पूरे होते हैं जिसमें महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा उस तन से 7 वर्ष की आवेश लीला भी होती है, और उसी तन के द्वारा श्यामा जी के बादशाहत के पातशाही के अथवा स्वामित्व के 24 वर्ष की लीला भी होती है। इसलिए 120 वर्ष की लीला में छत्रसाल जी की लीला का वर्णन किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि बीतक में ब्रज की लीला का भी वर्णन है, लेकिन वो तो केवल तीन या चार चौपाई के अंदर ही वर्णन है। मोहम्मद साहब से संबंधित चौपाइयाँ भी कुछ एक ही है जो उंगलियों में गिनाए जा सकते हैं, लेकिन बीतक में लगभग 2000 चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं जिन प्रसंगों में महाराजा छत्रसाल जी का नाम आता है। इसलिए यह स्पष्ट है तथ्यों से और प्रमाणों से कि 120 वर्ष की जो लीला है अथवा तीन स्वरूप की जो लीला है वो मलकी, हक्की और छत्रसाल जी अथवा श्री देवचंद्र जी, श्री मिहिरराज जी और श्री छत्रसाल जी के तन से तीन तनों से होने वाली लीला है। चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला है। महाराजा छत्रसाल जी छठे दिन की लीला के प्रमुख सुंदर साथ हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन कहा है, सिरदार ब्रह्म सृष्टि कहा है। तो इसीलिए उनके नाम को तीन स्वरूप की लीला में लिया जाता है, और उन्हीं तीन स्वरूप की लीला का, उन्हीं तीन स्वरूप के बीतक का वर्णन श्री लालदास जी इस ग्रंथ में कर रहे हैं। और उन तीन स्वरूपों की लीला का वर्णन करते हुए सबसे पहले एक भूमिका बांध रहे हैं। तीन स्वरूप की लीला का वर्णन करते हुए पहले भूमिका बांधी, और भूमिका में सबसे पहले कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। भविष्य पुराण एक ग्रंथ है जिसमें
चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया गया है। चारों युगों के राजाओं का वर्णन दो प्रकार से किया है। महाभारत काल से पहले जिन राजाओं का वर्णन है उसमें वंशावली का वर्णन है। वंशावली का मतलब इस राजा के ये पुत्र हुए जिन्होंने राज्य किया, फिर उनके ये पुत्र हुए, ऐसे करके वंशों का वर्णन है। उसके बाद महाभारत काल के बाद जिन राजाओं का वर्णन हुआ है वो उसमें नामावली का वर्णन है, कि क्योंकि उसके बाद तो उससे पहले अधिकतम राजा का जो पुत्र है वो राजगद्दी पर बैठता था, लेकिन उसके बाद तो स्वरूप बदल गया, सत्ता का जो स्वरूप है अथवा शासन का जो स्वरूप है वो बदल गया, राजा परिवर्तित होते गए, एक आक्रमण करता था राज्य पर, उसके बाद उस राज्य को वो कब्जा कर लेता था, ऐसे राजा बदलते गए, तो सिर्फ नामावली का वर्णन है उसमें। तो वंशावली और नामावली दो प्रकार से राजाओं का वर्णन किया गया है। श्री लालदास जी ने इस प्रकरण में चार युगों के राजाओं का नाम तो लिया है, इसके पीछे कारण हम समझेंगे वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से राजा का वर्णन किया गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें इस पहले प्रकरण में पांच प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है, पांच प्रकार के लोगों को राजा की संज्ञा दी है। राजा का तात्पर्य अगर हम समझें तो किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति अग्रगण्य होता है उसको राजा कहते हैं। जैसे योग के क्षेत्र में कोई आगे है तो उसको योगी राज कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सत्ता में है वो तो राजा होता ही है। तो इसमें पांच प्रकार के राजाओं का वर्णन किया गया है। एक, जो वास्तव में राजगद्दी पर बैठे क्षत्रिय जो शासक थे उनका वर्णन है। दूसरा, देवों का वर्णन है, देवताओं का वर्णन है। तीसरा, ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में राज्य किया। चौथा, इस कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है, क्षत्रिय राजाओं का, राक्षस कुल के राजाओं का वर्णन किया है। और पांचवा, यवनों का वर्णन है अथवा मुस्लिम जो शासक हुए उनका वर्णन किया गया है। तो पांच प्रकार के विभागों में राजाओं को रखा गया। उनमें सभी राजा नहीं थे, जैसे उदाहरण के लिए द्वापर युग के राजाओं में अर्जुन का वर्णन आता है, जबकि राज्य सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे थे। वो राजा नहीं थे, लेकिन उस समय में द्वापर युग में उस समय में सबसे अधिक वीर वही थे। वीरता के क्षेत्र में उनको अग्रगण्य माना जाता था। महाभारत की लड़ाई को जीतने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनको राजा की श्रेणी में रखा गया। वैसे ही कुछ ऐसे हैं जो ऋषि हैं जिनका वर्णन इसमें किया गया है, जो राजा तो नहीं थे लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में वो सबसे आगे थे। वैसे ही राक्षस कुल के भी राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश के, तथा कलयुग में भारत में आकर के जिन मुसलमानों ने, जिन यवनों ने शासन किया उनका भी वर्णन है। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं की क्या कथा है, कैसी कहानी है, वो जानना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सिर्फ उनका नाम लेंगे कि कौन कौन से राजा का वर्णन हुआ है और क्यों हुआ है, उसको हम आगे सुनेंगे। तो सबसे पहले 17 राजा सतयुग में एक कहियो राजा कृत। सतयुग के 17 राजाओं का वर्णन श्री लालदास जी ने बीतक में किया है। ऐसा नहीं कि 17 ही राजा हुए थे, लेकिन सभी राजाओं का नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर सभी राजाओं का वर्णन करने लग जाते तो बीतक जैसा एक और ग्रंथ हो जाता, क्योंकि प्रत्येक युग की आयु कई लाख वर्षों में है और कई राजाओं का वर्णन उसमें किया गया है। हमें राजाओं से अथवा राजाओं की लीलाओं से, घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनका वर्णन किया गया है एक मुख्य कारण से। वो कारण आगे इस प्रकरण की 27वीं 28वीं चौपाई में जाकर के स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम उन राजाओं का नाम लेते हैं। सबसे पहले राजा कृत हुए, उन्होंने अपने राज्य का भोग किया और उसके बाद कृतदत्त राजा हुए। कृतदत्त के बाद अंत राजा हुए,
अंत के बाद हुए राजा मुचकुंद हुआ, उसके बाद भैरवानंद, भैरवानंद के बाद राजा कंभो, उसके बाद हुए राजा आदि, और उसके बाद राजा हुए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पश्चात उनके पुत्र प्रहलाद, जिनका नाम तो शायद हम सब ने सुन रखा है, वो प्रहलाद राजा हुए। प्रहलाद के बाद बलिलोचन, अथवा जिनको पुराणों में विरोचन करके वर्णन हुआ है, उसके बाद भगत बलि, जिस बलि के विषय में हमने पुराणों में सुन रखा है कि वामन अवतार ने जिनको पाताल में पहुंचाया था, वो बलि राजा हुए। उसके बाद लोचन बलि नाम के राजा हुए। उसके बाद वाणासुर के पश्चात कपिलाक्ष, कपिलाक्ष के पश्चात कपिलभद्र, कपिलभद्र के पश्चात जरासरी, और उसके बाद धूम ऋषि, ये 17 राजा हुए सतयुग के। सतयुग के बाद त्रेता के राजाओं का वर्णन है, त्रेता के 29 राजा कहे गए हैं। 29 राजाओं में सबसे पहले ब्रह्मा का नाम लिया जाता है, ब्रह्मा के बाद मारीच, मारीच के बाद कश्यप, कश्यप के बाद सूरज, सूरज के बाद तवछत्र, उसके बाद अक्षयभा, फिर अरण्यभा, तत्पश्चात विश्वामित्र, और उसके बाद महामंत्र, महामंत्र के बाद राजा हुए चिमन। एक प्रश्न ये होता है कि ब्रह्मा को तो सृष्टि के आदि पुरुष में से एक माना जाता है, तो उनका वर्णन त्रेता युग में क्यों किया गया है? सतयुग पहला युग है, सतयुग में ब्रह्मा का नाम होना चाहिए था, ब्रह्मा का नाम क्यों लिया गया है? इसके पीछे कारण ये है कि ब्रह्मा के बाद जो वंश चला मारीच, कश्यप और सूरज, उनसे सूर्य वंश चला है, और त्रेता युग में सूर्य वंश की प्रधानता बताई गई है, इसलिए उस वंश की शुरुआत में ब्रह्मा जी का नाम दिया गया है, ये एक विशेष कारण है। तो चिमन राजा के बाद में उदयवान राजा हुए, उसके बाद त्रिशंकु जिनका वर्णन पुराणों में आता है, उसके बाद हरिश्चंद्र जिनकी सत्यवादिता के विषय में हम सभी जानते हैं, हम सभी भलीभांति परिचित हैं, उनके बाद रोहिताश्व, रोहिताश्व के बाद राजा हुए मांधाता, मांधाता के पश्चात राजा सगर, सगर के बाद आशामित्र, उसके बाद भगीरथ जिनके विषय में हम ये मानते हैं कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से गंगा को पृथ्वी पर लाया था, भगीरथ के बाद राजा दिलीप जिनकी गौ सेवा के विषय में कथा प्रचलित है, दिलीप के बाद राजा हुए रघु जिनसे रघुवंश चला, रघु के पश्चात अज, अज के पश्चात दशरथ, और दशरथ के पश्चात उनके पुत्र रामचंद्र जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, रामचंद्र के बाद हुए राजा लव, लव के बाद अंतभान, उनके पश्चात कैलखी, कैलखी के पश्चात बबरवान, उसके पश्चात सुदर्शन और अग्निवर्ण, ये 29 राजा हुए त्रेतायुग के। त्रेता युग के राजा के पश्चात अब द्वापर युग के राजा का वर्णन किया जाता है। द्वापर युग के राजाओं में सबसे पहले इंद्र राजा का नाम आता है, इंद्र के पश्चात चंद्रमा। अब ये चंद्रमा हम कहते हैं पौराणिक रूप से कि वो जो आसमान में, आकाश में जो चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसकी बात नहीं की गई है, चंद्रमा नाम के एक राजा हुए उनका नाम लिया गया है। चंद्रमा उनका पुत्र बुध माना जाता है। अब इंद्र भी सृष्टि के प्रारंभ में से ही थे, लेकिन उनका नाम द्वापर युग में इसलिए लिया क्योंकि इंद्र के बाद राजा हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद चंद्रवंश चला है। द्वापर युग के राजाओं में चंद्रवंश की प्रधानता मानी जाती है, इसलिए द्वापर युग में इंद्र का नाम सबसे पहले लिया गया। तो चंद्रमा के बाद पूर्वा राजा हुए, पूर्वा के बाद राजा अय, उनके पश्चात निर्मोक्ष, निर्मोक्ष के पश्चात राजा हुए शांतनु जिनके विषय में शायद हम सभी जानते हैं कि शांतनु के भाई कौन थे, राजा देवापी, देवापी शांतनु भ्राता। तो शांतनु के बाद राजा हुए चित्र, और चित्र के बाद राजा हुए विचित्र, इसको महाभारत में चित्रांगद और विचित्र वीर्य करके वर्णन किया गया है। ये दोनों शारीरिक दृष्टि से कमजोर थे और इनकी मृत्यु कम आयु में हुई थी, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इनकी पत्नियों को व्यास जी के द्वारा संतान उत्पन्न हुए थे, पांडव और पांडु तथा धृतराष्ट्र।
तो विचित्र के बाद में राजा व्यास को माना गया, वैसे व्यास राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, लेकिन पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के ये पिता भी थे और दूसरे उस समय में अपने समय में ज्ञान की दृष्टि से इनको सर्वोपरि माना जाता था। तो व्यास के बाद राजा हुए पांडव, पांडव के बाद यहाँ पर युधिष्ठिर का नाम नहीं लिया है, जबकि युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे थे। नाम आया है अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन उस समय में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वीरता की दृष्टि से सबसे आगे थे। अर्जुन के बाद राजा हुए अहिवर्ण, उसके पश्चात क्षेत्रनख, उसके पश्चात संतन, संतन के पश्चात बलिवान, फिर निर्वाण, बलिचंद, उसके पश्चात परीक्षित, और परीक्षित के पश्चात राजा हुए जन्मेजय। तो ये राजा हुए द्वापर युग के। अब कलियुग के 20 राजाओं का वर्णन करेंगे कि प्रथम राजा है कलियुग का यदु, यदु के पश्चात अजयपाल, अजयपाल के पश्चात राजा हुए महीपाल, महीपाल के पश्चात राजा हुए गंधर्वसेन, गंधर्वसेन के पश्चात विक्रमादित्य, तत्पश्चात विक्रमाचक्र, और उसके बाद राजा हुए भोज। राजा भोज के विषय में भी शायद सभी जानते हैं, विक्रमादित्य के विषय में भी सब जानते हैं। उसके बाद अब यवन राजाओं का वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले गौरी, मोहम्मद गौरी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन, तत्पश्चात नसीरुद्दीन, तत्पश्चात लोढ़ा महमूद, बड़ा महमूद, तत्पश्चात सूर खां, उसके बाद तैमूरलंग, उसके बाद द्वाब बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद सलीम, सलीम के बाद शाहजहां, ये राजगद्दी पर बैठे अलग अलग समय पर। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन राजाओं का वर्णन करके, उन राजाओं की कहानी सुन करके हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन उन राजाओं का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, तो अगली चौपाई से ये बात स्पष्ट हो रही है, जिसमें महामति श्री लालदास जी कहते हैं, ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी ठाम, बुध कलंकी ठाम। तो औरंगजेब जो कि कलयुग में, कलयुग के राजाओं में 20वें राजा के रूप में वर्णन किया है, वैसे तो अन्य बहुत सारे राजा हुए होंगे, और राजा एक ही समय में 20 राजा हों ये भी संभव था, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर इतिहास में जिनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है, चाहे वो अच्छाई के क्षेत्र में हो चाहे बुराई के क्षेत्र में, तैमूरलंग का नाम आता है, जिसने केवल मेरठ में ही 1,00,000 से अधिक हिंदुओं का संहार किया था। बाबर जो कि आतताई था, आक्रमण करता था, लेकिन इनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनमें उन लोगों का नाम प्रमुखता से लिया गया है जो या तो अच्छाई के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचे हैं या फिर पाप के क्षेत्र में, जैसे उन राक्षस कुल के लोगों का नाम लिया गया था, राक्षस कुल के राजाओं का हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, उनका नाम भी लिया गया था, वैसे ही इन सभी राजाओं का वर्णन किया गया है। तो उन सभी राजाओं का वर्णन करने का मुख्य कारण ये है कि अंतिम जो राजा जिसका नाम होगा औरंगजेब, और औरंगजेब के समय में भविष्य पुराण में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मही तले च मलेक्षानाम राज्यवंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेत यदा, शालिवाहन साकातु गत षोडशकम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। शालिवाहन के 1600 संबत, जिसको हम शक संबत कहते हैं, 1600 वर्ष व्यतीत होंगे। मही तले, मही कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी में म्लेच्छों का, मुसलमानों का शासन होगा, और उनमें भी आपस में ही विरोध हो रहा होगा। आप में से अगर किसी ने इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं पे, तो उसको ये इस बात की जानकारी होगी कि औरंगजेब भले ही गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, लेकिन पहली बात तो ये कि औरंगजेब गद्दी पर बैठने के लिए उसने अपने ही भाइयों को मार डाला। शाहजहां के 4 पुत्र थे, एक औरंगजेब,
औरंगजेब से सबसे बड़ा था दारा सिको, दारा सिको का नाम भी शायद सभी जानते हैं। बाकी दो पुत्रों का नाम शायद कम ही लोग जानते होंगे, एक का नाम था मुराद और एक का नाम था शुजा। तो ये दोनों, एक को पंजाब की जागीर दी थी शाहजहां ने, एक को बंगाल की जागीर दी थी। दारा सिको स्वयं दिल्ली में रहता था और औरंगजेब को दक्षिण में जो विरोध हो रहा था मराठाओं का, उसका दमन करने के लिए भेजा गया था। औरंगजेब चूंकि बचपन से ही उसको उसके जो गुरु थे, उसके जो सिखाने वाले जो कट्टर मौलवी थे, उन्होंने ये बात सिखा रखी थी कि हिंदू जो है अथवा हमारे अलावा जितने भी हैं वो सभी काफिर हैं, और इनका कत्ल करना अथवा धर्म परिवर्तन करना यही तुम्हारा धर्म है, यही सच्चा इस्लाम है, इस्लाम खतरे में है, ऐसा कह करके औरंगजेब को बचपन से ही भटकाया था। जबकि दारा सिको उपनिषदों का अध्ययन किया करता था, कुछ उपनिषदों का उसने फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था, वो इतना कट्टर नहीं था और सूफी प्रवृत्ति को मानने वाला था, उदारवादी प्रवृत्ति का। लेकिन औरंगजेब वो पूरी तरह से मौलानाओं के नियंत्रण में था, और पूरी तरह से जो एक जाहिरी इस्लाम जिसको हम कहते हैं अथवा शरीयत का जो इस्लाम है उसके अंदर पूरी तरह से वो जकड़ा हुआ था। और मौलानाओं ने औरंगजेब को ये कहकर भड़का रखा था कि अगर दारा सिको राजा बना, दारा सिको बादशाह बना, तो ये तो हिंदुओं को खुली छूट देगा, फिर तो हमारा जो इस्लाम है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए अगर इस्लाम की हिफाजत करनी है तो तुम्हें बादशाह बनना जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए औरंगजेब ने खूनी खेल खेला। पहले सबसे पहले उसने अपने दोनों भाइयों को, मुराद और शुजा को अपने तरफ किया, ये कहते हुए कि पिताजी हम सब में पक्षपात करते हैं, वो केवल दारा सिको का पक्ष लेते हैं, उसको तो अपने पास रख रखा है और हमको खुद से दूर कर रखा है, इसलिए तुम मेरा साथ दो, हम तख्तापलट करेंगे, दारा सिको को वहां से हटाएंगे। मुराद और शुजा ने औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब का साथ दे करके दारा सिको को सबसे पहले हराया। दारा सिको जैसे ही लड़ाई हारा तो हाथी के पैरों के साथ जंजीरों में बांध करके औरंगजेब ने पूरी दिल्ली का भ्रमण करवाया था घसीट घसीट करके, और उसके बाद में, उसके कुछ समय के बाद में उसने अपने भाइयों को भी मरवा डाला, अपने पिता को भी उसने जेल में बंद करके रखा था, और अपने पिता को उसने कहा कि आपको एक ही खाना मिल सकता है। वह चाहता था कि मैं किसी तरह से इनको प्रताड़ित करूं कि ये जल्दी से जल्दी मर जाए, क्योंकि वो खुले तरह से मार नहीं सकता था, अगर वो खुद अपने पिता का हत्या करता, अगर अपने पिता को मारता तो हो सकता है कि राज्य में विरोध हो औरंगजेब का, तो वो नहीं चाहता था कि अपने खुद के हाथ गंदे करें, इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी तरह से परेशान करूं कि ये जल्दी से जल्दी मर जाए। तो उसने अपने पिता को कहा कि आपको खाने में एक ही चीज मिलेगी, तो आप क्या चाहते हो? तो शाहजहां के रसोइये ने कहा कि आप चना मांग लीजिए। तो शाहजहां ने चना मांगा। अब रसोइया बहुत चालाक था, क्योंकि आप सब जानते हैं चने की रोटी भी बनती है, चने की सब्जी बनती है, दाल बनती है, बेसन से मिठाई बनती है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, तो अलग अलग प्रकार से व्यंजन बनाता था, स्वाद की भी कोई दिक्कत नहीं हुई और पौष्टिकता में भी कोई कमी नहीं। तो औरंगजेब सोचता है कि ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उसने एक और नाटक किया, इतना कुटिल था, उसने तेल, विष मिला हुआ तेल लेकर के गया और बोलता है कि पिताजी मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे पाप किए, मैंने अपने भाइयों को मारा, आपको भी इतनी तकलीफ दी, तो मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपकी खिदमत सेवा करना चाहता हूँ, और उस जहर वाली तेल से अपने पिता की मालिश की। तो उसकी जलन से तड़प तड़प करके शाहजहां ने अपना शरीर छोड़ा। तो जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा था, परस्परे विरोधे च औरंगाख्य भवेत्यदा, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि उनमें आपस में ही विरोध था, राज्य के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन रहे थे, और जिस समय में
बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इस संसार में आगमन हुआ, जिस समय में अक्षराती धाम धनी इस संसार में प्रकट हुए उस समय में औरंगजेब का इस संसार में, इस भारतवर्ष में शासन था। तो इस एक बात को स्पष्ट करने के लिए महामती श्री लालदास जी ने चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया और कहा कि चारों युग में कलयुग के अंतिम राजा औरंगजेब के समय में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इस संसार में प्रगटीकरण होगा। और आगे कहते हैं, श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। महामती जी कह रहे हैं कि ये शास्त्रों का कथन है, या शास्त्रों का मतलब उन दर्शनों की बोलचाल की भाषा में तो छह दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत और योग, इनको शास्त्र कहा जाता है। वैसे शास्त्र का अर्थ होता है शास्यते येन स शास्त्र, धर्म के क्षेत्र में जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की शिक्षा मिलती है, उपदेश की प्राप्ति होती है, उन्हें शास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ धर्म ग्रंथों को शास्त्र की संज्ञा दी है, जिन ग्रंथों में ये प्रमाण लिखे गए थे। तो श्री लालदास जी कहते हैं कि ये तो शास्त्रों का कथन है और ये तो उन राजाओं की बीतक के विषय में मैंने वर्णन किया। आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। अब तक की जो बीतक थी वो हमारी नहीं थी, ये बीतक तो उन राजाओं की थी। अब अपनी बीतक जो वास्तविक बीतक है उसका वर्णन तो आगे होगा, और उस आगे आने वाली बीतक को कैसे करना है उन राजाओं को दिल में ना बसाइए, कोई फर्क नहीं। लेकिन आगे जो आने वाली अपनी बीतक है उसको हमें चित्त में धारण करना है, हमारे हृदय में धारण करना है। और हृदय में धारण करना इसीलिए क्योंकि ज्ञान को सार्थक बनाने के जो चार अलग अलग चरण होते हैं उसमें श्रवण, मनन, चिंतन और निधि ध्यासन है। तो चित्त में धारण करना ज्ञान को सार्थक बनाने की एक सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ करके हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चित्त में धारण करने के बाद जो उसका सार है उसको अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। तो अब हम आगे आने वाली चर्चा में, कल की चर्चा में सुनेंगे कि ब्रह्म सृष्टियों की जो असली बीतक की बात कर रहे हैं वो असली वास्तविक बीतक कौन सी है, ब्रह्म सृष्टियों की बीतक की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से परब्रह्म का इस संसार में सर्वप्रथम आगमन हुआ ब्रज में श्री कृष्ण जी के रूप में, उस तन से कैसी कैसी लीला हुई और उसके बाद आगे क्या क्या लीला हुई उसका वर्णन हम सुनेंगे कल की चर्चा में। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर। आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। सो लीजे चित धर। बोलो श्री प्राणनाथ क्या।